का स्वागत है राइट स्टाइल टेक न्यूज नंबर 96 में और चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और दोस्तों आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक्नोलॉजी से टेक खबरें, ताजा टेक खबरें लेके आ गया हो। लेकिन दोस्तों आज की टेक न्यूज चालू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूले मत और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। सो दिन रुके क्यों है, हम आज की टेक न्यूज फटाफट से जल्दी से शुरू करते हैं। और दोस्तों आज सुबह ही हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के। आज सुबह मैंने आपको फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स बता दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो जाइए जरूर देखेगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज की टेक न्यूज हम जल्दी से शुरू करते हैं। यह वर्षों पहला अपडेट निकल के आता है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो आज हो गया है लॉन्च इन इंडिया और इसकी प्राइस, इसकी स्पेक्स सब कुछ यहाँ पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों हम एक डिटेल वीडियो करने वाले हैं फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का, लेकिन मैं आपको आज ही इसके फुल स्पेक्स बता देता हूँ। इसमें आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है बेस्ड ऑन हाई ओएस और 6.6 इंच के HD प्लस होल पंच डिस्प्ले मिलती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 90.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। MediaTek Helio A25 का प्रोसेसर है, 4GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है। क्वाड कैमरास मिलते हैं, 16MP का मेन कैमरा मिलता है, 2MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 120 degrees का आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, 2MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और AI शूटर भी मिलता है। और इसमें दोस्तों आपको क्वाड LED फ्लैश भी मिलती है, 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000mAh की बैटरी मिलती है, 17 hours ऑफ वीडियो प्लेबैक मिलता है, 115 hours ऑफ म्यूजिक प्लेबैक मिलता है और 13 hours ऑफ गेम प्लेबैक मिलता है, 18 hours ऑफ वेब ब्राउजिंग मिलती है, 31 hours ऑफ कॉल टाइम मिलता है और 480 hours का आपको स्टैंड बाय टाइम भी मिलता है। 4G का सपोर्ट है, 5G का सपोर्ट ऑफकोर्स नहीं है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, वाईफाई का भी सपोर्ट है, OTG का भी सपोर्ट है, GPS का भी सपोर्ट है और रेयर फिंगरप्रिंट, इसमें आपको स्कैनर भी मिलता है। यहाँ पर सो अगला अपडेट मिल के आता है वीवो की तरफ से। वीवो के TWS ट्रूली वायरलेस नियो ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स टू लॉन्च इंडिया सून। तो कंपनी ने टीज कर दिया जो वीवो के TWS है नियो ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स वो लॉन्च होने वाले इन इंडिया सून। सो कंपनी ने टीज कर दिया और ऐसे दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें आपको 4 to 5 hours की बैटरी लाइफ मिलेगी एट 50% वॉल्यूम। सो जब दोस्तों ये TWS इंडिया में लॉन्च हो गए सो इसके ऊपर हम दोस्तों एक फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। यह वर्षो अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी डेवलप कर रहा है एक नया फोन, न्यू फोन सीरीज टू सॉल्व 5G इश्यूज। जी हां दोस्तों, टिप्सर ने क्लेम किया है कि रियलमी डेवलप कर रहा है अपना एक नया सीरीज टू सॉल्व 5G इश्यूज। दोस्तों यहाँ पे आईकू ने अनवील कर दिया अपना 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, और एक नया फोन एक्सपेक्टेड इन अगस्त। सो ये दोस्तों फोन 50% चार्ज करेगा ऑफ 4000mAh की बैटरी इन 5 मिनट्स और फुल चार्ज होगा इन जस्ट 15 मिनट्स। यानी कि 15 मिनट में दोस्तों आप एक आईकू का या कोई भी 4000mAh वाला फोन 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर अगला अपडेट न्यूज किया जाता है नोकिया की तरफ से। नोकिया 2.4 पॉसिबली स्पॉट किया गया ऑन गीक बेंच विद MediaTek Helio P22 टिप्ड है, प्रोसेसर टिप्ड है। सो जब दोस्तों ये नोकिया 2.4 इंडिया में लॉन्च होगा सो इसके ऊपर हम दोस्तों एक फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है फिटबिट की तरफ से। फिटबिट चार्ज 4 को एक नया अपडेट मिला है विद GPS इम्प्रूवमेंट्स, स्मार्ट वेक अलार्म्स एंड मेनी मोर। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है मी की तरफ से। मी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स 2 बेसिक सेट टू लॉन्च इन इंडिया, नहीं दोस्तों इन ग्लोबल 2 ऑन जुलाई 15। तो मी के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 बेसिक सेट टू लॉन्च ऑन जुलाई 15। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है असुस की तरफ से। असुस Zenfone 7 टू लॉन्च विद Zenfone 7 प्रो सून। यस तो, और असुस Zenfone 7 टू लॉन्च सून और विद Zenfone 7 प्रो। यस तो, Zenfone 7 में आपको Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर मिलेगा और वैसे ROG Phone 3 का एक चीपर वर्जन हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है Zenfone 7, और Zenfone प्रो भी दोस्तों शायद लॉन्च हो सकता है जल्द ही। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है Amazfit की तरफ से। Amazfit Bip S
लाइट जी हाँ बिप एस जो लॉन्च हुआ था कुछ दिनों पहले उसका लाइटर वर्जन बिप एस लाइट स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है इंडिया सून। जी हाँ दोस्तों फ्लिपकार्ट का टीजर पेज आ गया है और ये दोस्तों हमें फिट बिप लाइट थोड़ा बहुत डिजाइन दिख रहा है, कलर स्क्रीन वगैरह तो अब दिखी नहीं है लेकिन डिजाइन में दोस्तों आपको हमें फिट बिप एस जैसा ही थोड़ा बहुत दिख रहा है। और जब दोस्तों हमें फिट बिप एस लाइट इंडिया में लॉन्च होगा वैसे जल्दी होने वाला है सो इसके ऊपर हमें फुल डिटेल्स एंड स्पेस का वीडियो जरूर करेंगे। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है वियो की तरफ से, वियो की एस सीरीज स्टेप डेट टू गेट अ न्यू फोन इन अगस्त। जी हां दोस्तों जो वियो की एस सीरीज है S1 और S1 प्रो जो इंडिया में लॉन्च हुए थे उसको एक नया फोन मिल सकता है इन अगस्त। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 सेट है टू लॉन्च इंडिया ऑन July 20। जी हां दोस्तों शाओमी ने रिवील कर दिया कि जो उनका रेडमी नोट 9 है वो होने वाला है लॉन्च इन इंडिया ऑन July 20 और जैसे ही दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा वैसे ही हम इसके ऊपर फुल डिटेल्स एंड स्पेस का वीडियो जरूर करेंगे। वैसे इसकी प्राइस दोस्तों अराउंड 14,000 के आसपास हो सकती है रफली अगर मैं कैलकुलेट करूँ फॉर द 3GB 64GB और अराउंड 18,000 के आसपास हो सकती है फॉर द 4GB 128GB। और दोस्तों जब दोस्तों ये लॉन्च होगा इंडिया में सो इसके ऊपर हमें फुल डिटेल्स एंड स्पेस का वीडियो जरूर करेंगे। बात करें आज के लाइक टारगेट की सो आज का लाइक टारगेट है 10 लाइक्स। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी टू बी अनवील्ड ऑन July 15। यस तो अर्ली पहले रूमर किया गया था कि 80 वाट फास्ट चार्जिंग होगा लेकिन दोस्तों सुपर हूं 3.0 लेकिन दोस्तों अब दोस्तों एक बड़ा स्टेप ले रहे 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी टू बी अनवील्ड ऑन July 15। वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉर्ड लाइट पॉसिबली लिस्ट हो गया Geekbench दोस्तों और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 690 का प्रोसेसर मिलेगा ऐसा टिप्ड है। सो पता है दोस्तों ये कौन सा एग्जैक्टली लॉन्च डेट सो इंडिया में नहीं है, वन प्लस नॉर्ड अभी लॉन्च होने वाला है और लेकिन दोस्तों जब ये वन प्लस नॉर्ड लाइट पॉसिबली स्पॉट किया गया Geekbench लिस्ट हो गया Geekbench और विद स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर। यह बसों अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी का 30 वॉट डार्ट पावर बैंक विद 10,000 mAh की बैटरी टू लॉन्च इन इंडिया, बैटरी कैपेसिटी टू लॉन्च इन इंडिया July 14। यस तो जो रियलमी C11 है वो भी दोस्तों लॉन्च होने वाला है और उसके साथ ही दोस्तों रियलमी का 30 वॉट डार्ट चार्ज या 30 वॉट डार्ट चार्ज लॉन्च होने वाला है ऑन July 14। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है वियो की तरफ से, वियो X50 और वियो X50 प्रो लॉन्च होने वाले इन इंडिया ऑन July 16। सो ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 3 दिन बचे, आज July 13 है और July 16 को दोस्तों वीवो की X50 सीरीज, X50 और X50 प्रो लॉन्च होने वाले इन इंडिया और जब दोस्तों ये लॉन्च होंगे इंडिया में सो इसके ऊपर हमें फुल डिटेल्स एंड स्पेक्स का वीडियो जरूर करेंगे। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 8 प्रो का आज था सेल टुडे एट 12 noon बाय Amazon एंड वन प्लस साइट। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X50 प्रो 5G का आज था सेल टुडे एट 12 noon बाय Flipkart एंड Redmi.com। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस का आज था सेल टुडे एट 12 PM वाया फ्लिपकार्ट। जी हाँ फ्लिपकार्ट पे था इसका सेल मोटरोला वन फ्यूजन प्लस का टुडे एट 12 noon। यह वर्षों अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 विल रिपोर्टेडली यूज द सेम चिपसेट या एज ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी S20। या दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है वो यूज कर सकता है द सेम चिपसेट ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी S20। यह वर्षों अगला अपडेट मिल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 वोंट फीचर इन August 5 अनपैक्ड इवेंट। यस तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 वोंट फीचर इन August 5 अनपैक्ड इवेंट। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज ये भी होती है खत्म और आज की टेक न्यूज आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।